गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई नो बहुत डिले हो गया है नया दूसरा सीरीज आने के लिए, बट क्या करूँ, बहुत बिजी था। इस केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और प्लान करने में टाइम लग गया। तो बेसिकली हम लोगों ने यात्रा सफलपूर्वक ख़त्म कर लिया है। तो ये जो सीरीज़ है, बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि हमने इस यात्रा कैसे किया और किस रूट से हम बेसिकली ट्रैवल किया और आप कहाँ कहाँ ठहर सकते हो, कितना बजट आप पकड़ के चल सकते हो। इस सीरीज़ में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हमने यात्रा शुरू किया मुंबई टू हरिद्वार डायरेक्ट नॉन स्टॉप राइड से, जिसमें हम तीन ड्राइवर थे, मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरा भाई था। सो हमने डिसाइड किया कि हम किधर स्टे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ड्राइव करते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे। तो हम लोग का जो रूट था जाते वक्त, वो था मुंबई से नासिक, देन धुले, इंदौर, ग्वालियर, फिर दिल्ली का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, देन डायरेक्टली हम उत्तराखंड में एंटर किया हरिद्वार एक्सप्रेसवे में। एट द एंड ऑफ द सीरीज में एक ब्लॉग ऐसा भी रहेगा जिसमें हम पूरा बजट डिटेल का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमने जो ट्रैवल किया 2022 में, आप अगर प्लान करते हो तो आपको कितना एक्सपेंस आएगा, कितना बजट आप पकड़ के चल सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एट द एंड ऑफ द सीरीज के एक ब्लॉग में मेंशन करेंगे। लेते हैं प्रभु का नाम महादेव का, करते हैं इस सीरीज का शुरुआत। हर हर महादेव। अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। ये वाला रेस्टोरेंट में थोड़ा स्नैक नाश्ता किया, चाय पिया, उज्जैन के साइड आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग को जूना आएगा, फिर ग्वालियर आएगा। तो यहाँ से जो आगरा का जो मैंने देखा था वो कुछ 500 किलोमीटर है। रेस्ट करें, थोड़ा मशीन भी कूल डाउन हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अभी हम गए टू MP बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ा राजस्थान का जो पार्ट आता है धोलेरा, तो अभी हम उधर हैं। तो धोलेरा है ना, धौलपुर सॉरी। यहाँ का लैंडस्केप में जो छोटे 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 पहाड़ बने हुए, मिट्टी के पहाड़ हैं, वाइट कलर का कुछ तो रेतीला मिट्टी है जिसमें पूरा लैंडस्केप। वैसे आज अपना हरिद्वार रीचिंग टाइम है कुछ तो गूगल मैप के हिसाब से 3 बजे, देखते हम बीट कर पाते कि नहीं। आज है डे टू और हमारा जो केदारनाथ का यात्रा का डे टू है आज। अभी हम लोग है राजस्थान, MP क्रॉस करते थोड़ा राजस्थान का जो बॉर्डर आता है थोड़ा सा। बज रहा है सुबह के कितना, 8:15। सुबह के 8:15 बज रहा अभी, और अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे रुके, थोड़ा रेस्ट करेंगे और थोड़ा यहाँ पे रुके हम लोग अभी हम लोग यहाँ पे रुके, थोड़ा रेस्ट करेंगे, चाय पिएंगे और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं अभी, बहुत टाइम से हम लोग चल रहे हैं। और प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं ये कि हम लोग का 3 ड्राइवर, तो हम लोग को रेस्ट करने के लिए ऐसा पर्टिकुलर ऐसा होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 3 ड्राइवर है तो हर कोई ड्राइव कर ले रहा है, जो थक रहा है दूसरा कोई ड्राइव कर ले रहा है। तो इस तरह हम लोग का 2 नाइट तो गाड़ी पे निकल गए और आज हम लोग होपफुली हरिद्वार भी पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोग चाय का चुस्की ले रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत अच्छा सा छोटा सा ढाबा है, मतलब एकदम आपको एकदम गांव की फील आएगा ये, आप अगर देखोगे तो, ये अगर आप देखोगे तो छोटा सा ढाबा है। यहाँ पे हम लोगों ने चाय बोला है, फुल ऑन गाँव का फीलिंग है। और ये अपना ब्लैकी गंदा हो चुका है क्योंकि कल MP में बारिश हुआ तो गाड़ी भी थोड़ा गंदा हो गया, बट ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसा कुछ ये नहीं, इशू नहीं आया अभी तक। बाकी एकदम ये अपना तीसरा स्टेट है राजस्थान, इसके बाद हम लोग UP घुसेंगे, फिर UP से थोड़ा दिल्ली, फिर दिल्ली से हम लोग अपना उत्तराखंड। चलो फिर चाय पीते। 22 लीटर का डीजल आया है और यहाँ पे रेट है 96 रुपीज़,
अभी अब बाकी है अपने को कितना माइलेज मिला है। लास्ट हम लोग ने भरा था इंदौर पे, लास्ट हम लोग इंदौर पे फ्यूल अप किया था, अभी ये मथुरा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 41 लीटर, नहीं वाईफाई नहीं। थैंक यू भैया, भैया इसका बिल दे दो ना। करोगे तो हम लोग ने ईस्टर्न पेरीफेरल से निकल चुके हैं जोरिंग रोड है, और अभी हम मेरठ हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे जो कि कुछ 180 किलोमीटर बचा है, और यहाँ से अपने को बता रहे हैं 3 घंटा अप्रॉक्स लगेगा। मतलब अभी हो रहा है टाइम 1:20 और हम पहुँचे गए 4:10 को हरिद्वार एक्सप्रेस, और मेरा 30 किलोमीटर जो कि मैंने अभी जस्ट बताया हरिद्वार अप्रॉक्स 180 किलोमीटर है। तो 4:10 का है टाइम, देखते हैं उसको बीट कर पाते हैं क्या नहीं। वैसे मैंने बहुत बीट कर दिया, उसने 5 बजे दिखाया था, मैं 4:10 तक लेके आया, और जो पेरीफेरल भी है ना उसमें 120 का स्पीड मैंने मेंटेन किया, तो टाइम बहुत कम हो गया। कुछ कह रहे तुम कुछ नहीं, बाकी देखिए अच्छा लग रहा है। मतलब ये शायद तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा, हाँ हरिद्वार दिल्ली मेरठ ये सब आके बाइक कैसे लग रहा है? बाय रोड, बाय ट्रेन, कुछ भी? अभी तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया हूँ, तो दिल्ली में हम लोग घुसे नहीं, वैसे हमने बाईपास ही कर दिया पूरा, वो पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से हम निकल गए, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जो जो चीज़ हमने एक्सप्लोर नहीं किया था तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए तो हमने अपना चैनल का नाम सफ़रनामा टू एक्सप्लोर इंडिया लिखा है, ताकि हम इंडिया में जो जो प्लेसेस है हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें उसको, और आपको आपके पास तक हम ले जाए, ताकि आप लोग भी, हाँ ताकि आप हमारे थ्रू आप लोग भी इस चीज़ों को देख पाए और एंजॉय कर पाए। तो अभी तो वैसे ये बताना भूल रह गया कि एक्सप्रेस वे आफ्टर दैट मतलब आगरा के बाद एकदम ज़बरदस्त था। आगरा के पहले थोड़ा बहुत पैच मतलब ऊपर नीचे था रास्ता, मतलब इतना ये नहीं था, बट अभी तो सही हो गया एकदम, बहुत सही हो गया। और अभी तो चार धाम यात्रा का भी जो रास्ता बना है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कैसा है क्या है, और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे पहुँचाएंगे। या वी विल ट्राई बेस्ट जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें, ताकि आप लोग जब प्लान करें तो हम लोग ने जैसे जैसे जो जो भी चीज़ें हम लोगों को फेस की है, जो डिफ़िकल्टी हमने फेस की है, वो चीज़ें आप लोग फेस ना कर पाओ, और आप लोग का जो सफ़र है एकदम स्मूथ हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा रोमांचक हो जाए। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड तो आप देख ही पा रहे हो ग्रीनरी थी ग्रीनरी, और राइट लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको ग्रीनरी भर के मिलेगा। देहरादून ये तो ये दिखाओ, ठीक है। सो कुछ देर में हम लोग उत्तराखंड के बॉर्डर में लग जाए, उत्तराखंड के स्टेट में एंटर कर लेंगे। अभी हम लोग यूपी के लास्ट बॉर्डर में है रुकी करके मुजफ्फरनगर, अभी हम लोग हाल फिलहाल अभी जो है हम लोग मुजफ्फरनगर है, वहाँ से हम रुकी पहुँचेंगे, फिर रुकी के बाद अपना उत्तराखंड का स्टेज चालू होगा। फाइनली कुछ ही समय में हम लोग अभी उत्तराखंड में रह गए,
अभी इधर जैसे दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, बद्रीनाथ, वाओ बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, माना, सब आ गए इधर जाने वाले। तो ये अपना आई थिंक वेलकमिंग वार्म वेलकम किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे ना, एक्चुअली मिलिट्री वालों का शूटिंग नहीं किया जाता, लेकिन ठीक है, ये हम लोग उत्तराखंड में नहीं है, कोइंसिडेंसली हुआ है। हाँ वाह, झाड़ के झाड़ देखो कितना लंबा है, वो ऐसा झाड़ पहाड़ी एरिया में होता है मोस्टली, इतने लंबे लंबे झाड़ याद है दार्जिलिंग में दिखा था, इतने लंबे लंबे झाड़, क्योंकि वहाँ पे सन की रोशनी कम गई थे इसलिए इतने लंबे। हाँ यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ठंडी में और रेनी में मोस्टली फॉग रहता है ना, तो शायद इसलिए इतने लंबे लंबे झाड़ होते हैं। बाकी रास्ता तो एकदम सही लग रहा है, एकदम फुल ऑन ग्रीनरी है, और ऐसे लग ही नहीं रहा है कि समर सीजन है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग क्या बोलते हैं स्प्रिंग सीजन आ गए, क्योंकि फुल ऑन ग्रीनरी फ्लावर्स के साथ अपना वार्म वेलकम हो रहा है उत्तराखंड में। सो हम लोग भी और जो जो हम लोग को प्लेसेस जाना है तो प्लेसेस का अपने को बताया जा रहा है कि देखो आपको इतना किलोमीटर लगेगा, इतना ये लगेगा, यहाँ से आपको इतना टाइम लगेगा, मतलब सही है यार। आई थिंक यूपी का लास्ट, इसके बाद शायद नहीं लगेगा कोई भी टोल, क्योंकि पहाड़ों में टोल नहीं लगता। बंद कर दो, रुको 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 रुको, आई होप ये अपना शायद लास्ट टोल हो, लेकिन रहेगा तो आपको बता देंगे कि कौन सा वाला लास्ट है, ये वाला लास्ट है कि इसके बाद और एक लास्ट है। और जैसे ही